नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह जी, ठीक है। और अपने गांव कौन सा है? फिरोज शाह जी। फिरोज शाह, ठीक है। तो मेले में कितने घोड़े लेके आए हो? घोड़े 6-7 हैं। 6-7 घोड़े लेके आए हो। और अपने पीछे जो ये घोड़ा खड़ा है, इसका क्या डिटेल है? इसका नाम सुल्तान है जी। अच्छा, सुल्तान है। हाँ जी, एज इसकी 3.5 साल है। और इसका सायर कौन है? सायर इसका फादर अर्जुन है जी। अर्जुन है। हाँ जी, ठीक है। और इसकी डेयरी वाला के नाम से मशहूर। अच्छा, वो कहाँ है अभी? वो घर पर है। आपके पास ही है? हाँ, हमारे पास ही। अच्छा, ठीक है। अभी नहीं लेके आए। अच्छा, उसको लेके नहीं आई। ये उसके जो बच्चे हैं उनको लेके आए हो? हाँ, दो बच्चे हैं जी। ठीक है, उधर भी बच्चे हैं। ठीक है, इसकी हाइट वगैरह क्या है? इसकी 64 इंच हाइट है। और इसकी जो डैम है वो? डैम मदर नुकरी है जी। मदर नुकरी है। उसकी हाइट वगैरह? 62 इंच हाइट है। ठीक है, और मेले में कब के आए हो सब? अभी 3 रोज हो गए। अच्छा, 3 रोज हो गए। 3 दिन हो गए। ठीक है। अर्जुन, जैसे अर्जुन रोली वाला घोड़ा काफी फेमस है। हाँ, लोग बाग काफी रिस्पांस देते हैं, मैंने देखा है वीडियो वगैरह में भी, और वैसे उसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो आप उसके ओनर हो? हाँ जी। ठीक है, तो वो अभी मीटिंग के लिए चालू है? हाँ, चालू। ठीक है, उसकी मीटिंग वगैरह का क्या सिस्टम रहता है, क्या फीस वगैरह है जी? 20,000। ठीक है। और आपका वो स्टड फार्म का क्या नाम है? गिल स्टड फार्म। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी सर, ये आपका इस मेले में दूसरा बच्चा है? हाँ जी, दूसरा बच्चा। इसका क्या नाम है सर? सुखबाज। अच्छा, सुखबाज है। ठीक है, और ये भी साइड भाई अर्जुन रोली वाला? अर्जुन। अच्छा, और इसकी जो डैम है वो? अबोर लाइन की मदर है। अच्छा, अबोर लाइन की मदर है। ठीक है, नुकरी। ठीक है, और कितने मंथ है इसकी? इसकी 30 मंथ है। 30 मंथ है। और हाइट वगैरह कितनी होगी सर अभी? 65 इंच। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और सर आपका क्या नाम है? सरबजीत सिंह जी। और सर आपका जी? गुरमीत सिंह जी। आप भी गिल स्टेट फार्म के ओनर ही हो? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। अर्जुन रोली वाला साइड भाई, अर्जुन रोली वाला, और मदर इसकी नुकरी है, बोर लाइन की। अच्छा, अभी तक मेटिंग के लिए तो इसको यूज नहीं किया होगा? नहीं, चालू है। अच्छा, इसको मेटिंग के लिए चालू कर दिया। अभी तक कितनी घोड़ियाँ क्रॉस करा चुके हो सर? दस घोड़ियाँ क्रॉस कराई है। ठीक है, और मेटिंग फीस वगैरह क्या है? 15,000 रुपये। और अपने स्टड फार्म पे घर पे भी अपने कितने और भी घोड़े हैं? घोड़े रखते हो क्या? 8 जानवर हो। अच्छा, उनमें कौन कौन सी लाइन वगैरह के वो कुछ है? वो शान के है बच्चे। अच्छा, एक इंडिया चैंपियन घोड़ी है अपने कोले, नुकरी। नुकरी घोड़ी है। ठीक है सर, बाकी बच्चे अर्जुन के बच्चे है। ठीक है, और अर्जुन जैसे रोली वाला घोड़ा काफी फेमस है, आपको भी पता है, आपके पास तो है ही वो? पहले हमारे पास था, हम अब हमारे मित्र अभी सोनू। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी भाई साहब के पास है वो घोड़ा, तो अगर जैसे उसका बच्चा या कोई खरीदना चाहे तो उसके बारे में जैसे आपसे कोई डिटेल वगैरह पूछनी चाहे तो आपके पास उपलब्ध रहती होगी रिकॉर्ड वगैरह सारा? जी, सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, और जैसे एक बच्चे की, जैसे नॉर्मल बंदा या कोई एक लड़का खरीदना चाहे नया हॉर्स लवर, तो किस रेंज से इसके अर्जुन रोली वाले के बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं? अगर कोई छोटा 6-7-8-10 महीने का बच्चा लेना चाहे तो 3-4 लाख की रेंज तो स्टार्ट हो जाते हैं। 3-4 लाख की रेंज तो स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी ऊपर का ठीक है। हाँ गुरमीत भाई साहब, इसका क्या है डिटेल वगैरह? मेयर है क्या ये? हाँ जी, मेयर है। अच्छा, इसकी क्या डिटेल है थोड़ा बताना सर आप? अबोर लाइन की है जी। अबोर लाइन की है। ठीक है, इसकी एज वगैरह क्या है जी? इसकी एज 4 साल है जी। 4 साल है, ठीक है। अभी ये क्या पीना है क्या? नहीं, अभी खाली है जी। खाली है। ये फोर सेल है या नॉट फोर सेल है? नॉट फोर सेल है। 100 क्वालिटी के लिए है ओनली। ठीक है, तो इस घोड़ी में काफी अच्छी साइनिंग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसके बारे में थोड़ा इसकी डाइट वगैरह थोड़ा लोगों को बताओ जो नए हॉर्स लवर वगैरह जुड़े हैं अपने साथ। 3 बार चैंपियन है। क्या नाम बताया आपने इसका? इसका मुस्कान है। मुस्कान। अच्छा, 3 बार चैंपियन है। कौन कौन से शो चैंपियन जी? फरीदकोट चड़क ते जगराऊं। ठीक है, तो इसकी डाइट के बारे में आप थोड़ा बता दो लोगों को भी। हाँ, इसको जैसे सर्दी की डाइट के बारे में आप इसको क्या खिलाते पिलाते? तो जमीन, बाजरा। हाँ जी, मोठ, ये यही चीजें दे रहे हैं तीनों। तेल का, मूंगफली का नीरा। ठीक है, जैसे ये काफी बड़ी घोड़ी है तो मतलब इसके पूरे दिन का लंजिंग वगैरह का क्या रहता है? जैसे किस तरह से इसको लंजिंग वगैरह कराते हो, कितने मिनट कराते हो? टाइमिंग है जी डाइट की। अच्छा, सुबह की बकरी है, शाम को, दोपहर को। ठीक है, 3 टाइम इसको दाना पाते हैं। 3 टाइम। और लंचिंग वगैरह कितने टाइम कराते हो सर इसको? लंचिंग
अच्छा साढ़े। और आप इस घोड़े लाइन में कितने साल से हो सर? हमने 2013 के लास्ट में रखे। 2013 के लास्ट में रखे हो, मतलब कुल मिला के नए ही मान लो 5-6 साल हुए अभी, ज्यादा ही तो। हाँ जी, नए 5-6 साल हो गए। ठीक है, अगर जैसे कोई नया बंदा जैसे शुरू करना चाहे, जैसे आपने स्टड फार्म शुरू किया है, आपके पास से काफी दो तो अर्जुन रोली वाले के बच्चे हैं और घोड़ा खुद भी आपके पास है, और जैसे ये मेयर है मुस्कान आपके पास चैंपियन है, तो आप जैसे नया बंदा या नया लोग स्टड फार्म करना चाहे तो आप किस तरह से वो शुरुआत करे, किस तरह से आप थोड़ा बताओ उसके बारे में। ओ जी बढ़िया चंगी लाइन दी घोड़ी ले लवे। ठीक है जी, बढ़िया चंगी घोड़ी लवे जी, गब्बन घोड़ी लवे। ठीक है, ठीक है, थोड़े पैसे ला के घोड़ी ले लवे जी। ठीक है जी, बच्चा नाले शौक पूरा हो जूगा जी, नाले ओदे अगे बढ़िया ओदा चल पूगा जी काम। ठीक है, और वो किस तरह से थोड़े ब्रीडिंग कराए, जैसे उसने घोड़ी ले ली मान लो, जैसे उसने आज 1,00,000 रुपए की घोड़ी ले ली, नुकरी घोड़ी ले ली, तो वो किस तरह के घोड़े से ब्रीडिंग कराए, मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ब्रीडिंग नुकरे घोड़ों में ब्रीडिंग क्या है? हाँ जी, वो तो लाइन दे सिते आना जी, जिहड़ी लाइन दी घोड़ी आ वो लाइन तो लाइन क्रॉस ना करावे जी। जैसे पंजाब के अंदर नुकरे घोड़े ज्यादा हो गए, भैया अबोर वाले लाइन ज्यादा हो गई, तो वो अबोर वाले लाइन के अपसरी में जो इनब्रीड हो रहा है सारा। हाँ जी, इनब्रीड हो रहा है। तो जिवें साली वाला अर्जुन आ, जिवें अपने कोले अर्जुन दी ब्रीड है, जो जिवें असीं हुण अबोर लाइन तों करा दिंदे क्रॉस। हाँ जी, मतलब इसका मतलब लोगों को इनब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए। ठीक है जी, ये भी गुरमीत जी आपके स्टेट फार्म की दूसरी मेयर है, इसकी क्या डिटेल है सर थोड़ा बताना? ये भी अबोर लाइन की है। अबोर लाइन की, ये कौन से कलर आ जाता है? ये लाल चंपी बोलते हैं, चंपा कलर, नुकरों से पैदा होती है ना। ठीक है, ये भी कोई 100 चैंपियन वगैरह है क्या? 100 चैंपियन वगैरह कहीं है? अच्छा ठीक, और कौन से घोड़े से कैबिन वगैरह भी है क्या? ये घोड़ा जी हरियाणा का बच्चा, मलूके वाले घोड़े का बच्चा जी, उसी को बनाया। अच्छा, उससे क्या बने? आ वाले घोड़े से, मतलब आपने नहीं कराई? नहीं, हमने खरीदी है ना। अच्छा, आपने अभी खरीदी है। अच्छा, ये इस कोल्ट की थोड़ी कोल्ट है क्या? ये बच्ची है, फिली है। अच्छा, इसकी क्या डिटेल है? 5.5 महीने की बच्ची है। ठीक है, डोडा वाले महाराणा घोड़े की बच्ची है। डोडा वाला जो महाराणा घोड़ा, अच्छा, ठीक है। और इसकी डैम है वो सर? वो नहीं हमको मालूम है, नुकरी है वैसे तो, हमने अच्छा खरीदी है जी। ठीक है, जैसे आपने 5.5 महीने की बच्ची खरीदी है, आपने खरीदी हुई है, तो आपने क्या इस बच्ची में ऐसा क्या देखा, जैसे अगर कोई नया बंदा या खरीदे या कोई और? अच्छी है जी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा जी इसका। ठीक है, अगर नया बंदा जैसे खरीदे कोई, तो उसको क्या क्या चीजें देखे, थोड़ा आप इसको बताए इसके बारे में? कान की कोई कमी है ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी है जी। जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इसकी कान कनौती वगैरह कैसी हो, नुकरों में गर्दन वगैरह क्या हो, इसके बारे में थोड़ा? गर्दन बहुत चंगी है जी, अच्छा देखो। ठीक है, कान देखो, चंडीदार कान है जी, मुँह बहुत अच्छा जी। ठीक है जी, हाँ जी, सूंघ बहुत बढ़िया लगा, सूंघ वगैरह। और ये भी आपके स्टेट फार्म की मेयर है ना? हाँ, इसकी क्या है सर डिटेल? तो सर हमने खरीदी थी। अच्छा, खरीदी हुई है। ठीक है, साहू वाले बड़े घोड़े की, साहू वाले नुकरे घोड़े की है। हाँ जी, अभी गैप भी है कही। अच्छा, कौन से घोड़े से जी? चेतक घोड़ा जी। चेतक घोड़े से, चेतक घोड़ा कौन सी लाइन का है? अबोर लाइन का जी। अच्छा, अबोर लाइन का जी। ठीक है, धन्यवाद सर। 10 लाख।